नमस्कार, हम लोग डिजिटल एक्सरे कैसे डेवलप करना है और प्रिंट कैसे करना है उसका वीडियो ले रहे हैं। ये एक्सरे निकाल लिया है, ये वाला पार्ट ऊपर रहेगा, इसको इसमें डालने का है। लेकिन उसके पहले पेशेंट का नाम लिखेंगे, कैपिटल में लिखा तो अच्छा। पेशेंट का आईडी जो आपको डालना है वो, ये हाथ का एक्सरे है इसलिए अपर एक्सट्रीमिटी, इसमें फिंगर का एक्सरे से फिंगर, और यहाँ पर ग्रीन बटन दबाएंगे। अब ये ग्रीन बटन अगर आ गया है, इसका मतलब है हम ये कैसेट डाल सकते हैं। इधर से ऊपर रहेगा, ये हल्के हाथ से थोड़ा सा जो देखे इजीली डाल देंगे। इसके ऊपर ये दिखाओ, ये दिखाओ, PRO आया है, इसका मतलब है वो वहां प्रोसेस हो रहा है। ये एक्सरे रीडिंग हो रहा है जो अब खत्म हो गया है। हम ये कर्सर से इसमें कुछ बदल कर सकते हैं, जैसे ये कर दिया, यहाँ से शेडिंग में बदल कर सकते हैं जिसकी ज़रूरत जनरली नहीं रहती है। उसके बाद में अगर इससे हम कंफर्टेबल है तो यहाँ कंप्लीट का बटन दबा देंगे हरे रंग का। अब जो एक्सरे निकाल लिया है उसको अपने को प्रिंट करना है या आगे डिटेल में देखना है तो यहाँ जाएंगे चार्ट में जिस पर लिखा हुआ है रिटर्न टू द लिस्ट स्क्रीन, इसको दबा देंगे। ये दबाएंगे तो यहाँ पर ये आ गया है जिसका एक्सरे अपने किया था, उसको क्लिक कर दिया। ये एक भी एक्सरे हो सकते हैं या ज़्यादा भी एक्सरे हो सकते हैं। अभी ये एक एक्सरे का है यहाँ पर, तो ये क्लिक कर दिया, ये आ गया। अब ये बैच डिलीवरी, BATCH बैच डिलीवरी जो है, इसको एक बार क्लिक करेंगे। जब इसको क्लिक किया, और पास में आ जाओ, नीचे जाओ, फिर इसको वापस यहां क्लिक कर देंगे। अब पीछे हो जाओ, अब इधर आएंगे, बैच डिलीवरी हो गई, मतलब हम लोग अब प्रोसेसर के पास पहुंच गए हैं। अब यहां पर विंडोज का बटन जो है, ये विंडोज का जो बटन है इसको क्लिक करेंगे तो यहां पर ये ब्लू एरो आएगा, चला गया। वापस विंडोज का बटन करेंगे, यहाँ ब्लू एरो आएगा, इसको क्लिक करना है। ये क्लिक करने से ये वाली स्क्रीन खुल जाएगी। इसमें तीसरे नंबर पे रिफ्रेश नाम है, ये रिफ्रेश, इसको दबाएंगे। अब क्या होता है, कभी कभी अगर हमने ऊपर दूसरे पेशेंट का नाम लिखा हुआ है तो कुछ दिखेगा नहीं, तो पहले तो ये दूसरे पेशेंट का नाम डिलीट कर दीजिए। अब आप वापस रिफ्रेश दबाइए, तो हमने क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डेट्स डाली हुई है, पूरे पूरे पेशेंट्स आ गए, लेकिन अपना काम सिर्फ अभी है ऊपर वाले पेशेंट से है। इसको वापस डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो स्क्रीन के ऊपर एक्सरे भी आ जाएगा। एंड इस तरफ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो प्रिंट ये आ जाएगा, इसको दबाएंगे। अब हमारे स्क्रीन के ऊपर
लेफ्ट हैंड कॉर्नर के ऊपर ये फोटो है, जिसको एक बार क्लिक करेंगे तो ये मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। अब इसके बाद में आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, या जैसा भी करना है। अब मुझे एक्चुअली ये तीनों एक्सें निकालने हैं, तो मैं यहाँ पर ऊपर जाकर सिलेक्ट करूँगा। मैंने यहाँ गया था, मैं है ना यहाँ गया था, ऊपर जाकर के मैं सिलेक्ट किया और इसके अंदर मैंने तीन नंबर वाला लिया, जिसके अंदर यहाँ पर एक खड़े में है ये तीन। डू यू वॉन्ट टू कीप द इमेज? यस, आई वॉन्ट टू कीप द इमेज। अब यहाँ क्लिक करूँगा, लेकिन अगर ये रेड स्लॉट इसको है तो यहाँ पर इमेज नहीं आएंगी। मुझे यहाँ पर मेरा हाथ दिखाऊँ, ये राइट वाला क्लिक करना होगा। अब मुझे वापस ये लेना पड़ेगा तो आ जाएगा। अब यहाँ करने के लिए वापस इसको सिलेक्ट करना होगा, फिर ये बटन दबाना होगा, ये आ जाएगा। अब मैं ये तीनों को एडजस्ट करता हूँ। ये इसमें अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो मैं इसको लैंडस्केप में ले लेता हूँ। लो पकड़ो, अब मैंने इसको एडजस्ट करना है। ये लैटरल व्यू हो गया, मेरा हाथ दिखाओ। थोड़ा सा इसको मैं शेडिंग कर दूंगा, ये ए पी व्यू है क्योंकि ये लिटिल फिंगर है, ए पी ज़्यादा अच्छा दिखता है इसमें। ये ए पी व्यू हो गया। ये स्ट्रेस करके मैंने निकाला हुआ एक और व्यू है। ओके, इसको भी हम थोड़ा शेड कर देते हैं, इसको भी हम हल्का सा शेड कर देते हैं। अब इधर आइए। अब ये जो है मेरे ख्याल से राइट साइड की फिंगर है, तो इसको मार्किंग कर देंगे राइट, इसको मार्किंग कर देंगे यहाँ पर राइट। हर बार सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर इधर आना पड़ेगा राइट या लेफ्ट में, हर बार सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट लेफ्ट में आना पड़ेगा। ये होने के बाद में वापस इधर आएंगे। इधर आकर के हम पहले तो नीचे जाएंगे यहाँ पर, कि अगर कुछ और लिखना है तो यहाँ, जैसे मुझे यहाँ फिंगर के जगह पर लिटिल फिंगर लिखना है, और रेफर्ड बाय के अंदर सम्राट टावरी डालना है, इसको ओके कर देंगे। अब वापस इधर आएंगे और एक बार प्रीव्यू देखेंगे। तो ये प्रीव्यू है और इसमें हमें ये व्यूज़ दिख रहे हैं। ये होने के बाद हम इसको प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने ये ऑन किया यहाँ से, फिर हमने ये वाला बटन लॉन्ग प्रेस किया ज़्यादा देर, और फिर इसकी पूरी प्रोसेसिंग होकर के इसके ऊपर एक नंबर आ गया। इसका मतलब है अब प्रिंटर तैयार है। आइए, अब हमने ये यहाँ सिलेक्ट कर लिया है एक्सरे जो करना है, और अब हम यहाँ जाएंगे और इसका प्रीव्यू लेंगे। प्रीव्यू में वापस एक बार देखेंगे तारीख, नाम, जैसे ये गलत हो गया इसको चेंज करना है, ये बराबर है और ये सब बराबर लिखा हुआ है। तो अगर ये चेंज करना है तो वापस इधर जाएंगे और इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करके हम यहाँ जाएंगे फुटर कॉन्फ़िगरेशन में, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है नाम, ये चेंज करके दूसरा नाम डाल देंगे और इसको ओके कर देंगे। ओके करके वापस एक बार प्रीव्यू देखेंगे। प्रीव्यू में सब ठीक लग रहा है तो हम इसको यहीं से प्रिंट का बटन दबाएंगे। फिर यहाँ जा कर के ये कन्फर्म बोल रहा है, पूछ रहा है, इसको कन्फर्म का बटन दबाएंगे। ये पूरे के पूरे ऑर्डर्स प्रिंटर को चले गए हैं। अब यहाँ इमेज प्रिंटेड यहाँ दिखा रहा है, उसको समय लगेगा, लेकिन यहाँ इमेज प्रिंटेड दिखा रहा है, इसको ओके कर सकते हैं। अभी इधर दिखाइए, अभी यहाँ पी आर ओ दिखा रहा है,
टी आर ओ दिखाएगा, इसका मतलब है प्रोसेस पे है। तब तक के हम ये ऊपर का पूरा बंद भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, इसको यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, इसको यहाँ जा करके हम क्लोज कर सकते हैं, इसको कभी क्लोज नहीं करेंगे, इसको मिनिमाइज करेंगे। इसको यहाँ जा करके मिनिमाइज करेंगे, इसको हम क्लोज कर सकते हैं अगर और कोई नया एक्से निकालना नहीं है। इसके लिए यहाँ जाएंगे, इसमें नीचे जाएंगे तो शट डाउन लिखा हुआ है, यहाँ शट डाउन करेंगे। फिर ये पूछेगा शट डाउन करना है क्या, तो वापस ओके दबाएंगे और ये बंद हो गया। जब यहाँ पर एंड आ गया है तो इसको भी यहाँ से हम बंद कर सकते हैं, ठीक है। नीचे में एक्से आ जाता है, तब तक के लगभग एक्से आ जाता है या 5 मिनट बाद एक्से आ जाता है। ये एक्से आ गया तो फिर इसको यहाँ लॉन्ग प्रेस करेंगे, जहाँ इसने एंड बोल दिया तो यहाँ नीचे से इसको भी बंद कर देंगे। अब हम कभी कभी ऐसा आता है तो इसको शट डाउन एनीवे कर देने का। अब हम यहाँ पर आकर के ऑफ का बटन और बीच का बटन दबा करके इसको भी बंद कर सकते हैं। थैंक यू।